स्वागत है सब लोग, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नया वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। सो गाइस देख सकते हैं ये वाला फोटो नियॉन लाइट वाला जो फोटो एडिटिंग है, लाइटिंग वाला। तो ये वाला फोटो मैं इंस्टा के अंदर डाला था एंड आप लोगों का ज्यादातर कमेंट यही आ रहा था कि भाई इसका ट्यूटोरियल पहले डालो यूट्यूब पर। मतलब और भी फोटो अपलोड किया हूँ लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि इसका ट्यूटोरियल पहले डालो। तो लोग गाइस हाजिर है आप लोगों के लिए, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ भाई। तो एक यहाँ पर दिक्कत आ रहा था, मतलब बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, डीएम भी कर, मतलब डीएम करके बोल रहे हैं, कमेंट्स पे भी बोल रहे हैं ये बात कि भाई तू जो वीडियो अपलोड करता है उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो मैं बोला भाई कि सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, तो चैनल का जो बेल आइकन होता है उसको भी ऑल पे प्रेस कर ले। तो उसने फिर से रिप्लाई किया कि भाई सब कुछ किया हुआ है। तो मुझे पिछले मतलब 10-12 दिन से यही लग रहा था भाई कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग जाकर देखना पिछले 2 वीडियो पर व्यूज ही नहीं आए। तो यूट्यूब क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को मैं। तो भाई आप लोगों को मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सब्सक्राइब करके रखे हो, बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके रखे हो, तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो। सो गाइस आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो कर देना एक लाइक, चैनल पर अगर नया हो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ऐसे नए नए वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस खास करके ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहीं पर मैं सब कुछ अपडेट दे देता हूँ पहले। मतलब जो भी सारा वीडियो बनाता हूँ, फोटोज अपलोड करता हूँ वहीं पर, मतलब सब कुछ मेरे बारे में हालचाल, मतलब क्या कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है जिंदगी में यार, सब कुछ आप लोग जान सकते हो पहले इंस्टाग्राम पर। तो जाकर फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड को मैं पिक्सआर्ट के अंदर ओपन कर लिया हूँ एंड ये वाला बैकग्राउंड एंड जो भी सारा पीएनजी यूज करूंगा इस फोटो को एडिटिंग करने के लिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, बैकग्राउंड तो ओपन कर लिया हूँ पिक्सआर्ट के अंदर, तो आप लोगों को भी ओपन करना होगा एंड ऐड फोटो ऑप्शन से अपना फोटो जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो फोटो को ऐड कर लिया हूँ एंड बैकग्राउंड भी पहले से कटआउट करके रखा था एंड जिन लोगों को कटआउट नहीं करना आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो सिंपली। और हाँ गाइस मुझे पता है ये वाला फोटो इस बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा है उतना अच्छे से, फिर भी क्यों पता नहीं इंस्टाग्राम के अंदर डाल दिया हूँ ये वाला फोटो एडिटिंग करके, मुझे भी नहीं पता भाई। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन करके बिठा देना होगा फोटो को। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से बिठा देते हैं और बिठा देने के बाद आप लोगों को सिंपली डन कर देना होगा। डन करने के बाद आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक पीएनजी का ज़रूरत होगा, तो वो है लाइट पीएनजी। ठीक है, उसी को बार बार आप लोगों को यूज़ करना है, तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से पहले ऐड कर लेता हूँ उस पीएनजी को। सो देख सकते हो ये वाला पीएनजी गाइस, लाइट पीएनजी, तो इसको क्या करना है यहाँ पर आप लोगों को लाइट लाइट के ऊपर यूज़ करना है, ताकि आप लोग, मैं आप लोगों को एक बार करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है, तो पहले कलर एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जाना पड़ेगा कलर चेंज करने के लिए, यहाँ पर एडजस्ट वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर ह्यू के अंदर। ठीक है, एंड ह्यू के अंदर आने के बाद यहाँ पर ह्यू चेंज करके आप लोग कलर पहले एक जैसा कर लो, तो देख सकते हो यहाँ पर ये वाला कलर एक जैसा लग रहा है। ठीक है, तो हो गया है, यहाँ पर मैं सिंपली डन कर दूंगा और डन करने के बाद क्या करूँगा यहाँ पर गाइस, यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना होगा ब्लेंड वाला ऑप्शन पर और आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारा मोड मिल जाता है। ठीक है, आप लोग देख लेना यहाँ पर कि कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं चेंज करके देख लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ओवरले वाला अच्छा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा के ऊपर भी पड़ना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए भाई कि ये एकदम फेक नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक लगना चाहिए, ताकि एडिटिंग देखने में भाई बहुत अच्छा लगे। ठीक है, मतलब उतना फेक भी अगर लगेगा तो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा भाई। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को कर लेना होगा, जैसे कि देख सकते हो, एंड ओपासिटी आप लोग हल्का सा यहाँ पर कम कर दो तो ये बेहतर है, ज़्यादा ओपासिटी लग रहा है यहाँ पर, तो हल्का सा कुछ इस तरीके से मैं रखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हो गया है, एंड इसको यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर क्लिक करूँगा एंड डुप्लीकेट बना के यहाँ पर ले आऊँगा, क्योंकि देख सकते हो दोनों का कलर सेम है, तो यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि हेयर्स के ऊपर भी यहाँ पर थोड़ा सा लाइट गिरे। ठीक है, ताकि एकदम ओरिजिनल लगे भाई, मैं आप लोगों को बार बार बताना चाहता हूँ यहाँ पर रियलिस्टिक थोड़ा सा लगना चाहिए, जो कि मेरा फोटो यहाँ पर रियलिस्टिक उतना नहीं लग रहा है, क्योंकि पोज यहाँ पर बहुत ही बहुत नहीं भाई, खुद का ही पोज है, उतना ख़राब नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ख़राब है। ठीक है, तो इतना कर लिया हूँ, देख सकते हो। अब क्या करूँगा, फिर से डुप्लीकेट बना लूँगा इसका। ठीक है, डुप्लीकेट बना के यहाँ पर ले आऊँगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले छोटा कर लेता हूँ एंड इसका ओपासिटी फुल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जाऊँगा फिर से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर ह्यू के अंदर जाऊँगा एंड कलर चेंज करके आप लोग कोई सा भी कलर रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पीएनजी को बार बार यूज़ कर सकते हो आप लोग, ह्यू को बस चेंज कर दो जो भी कलर चाहिए। तो जैसे कि मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो मैं डन कर देता हूँ इसको ही एंड ओपासिटी मुझे ज़्यादा लग रहा है तो हल्का सा कम कर लेता हूँ एंड ये वाला जो पीएनजी है भाई,
मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। ये जो लाइट है भाई, ये हल्का सा शरीर के ऊपर गिरना चाहिए, मतलब फेस के ऊपर हल्का सा गिरना चाहिए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा रखो तो ये बेस्ट है यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कर लिया हूँ, तो फिर से एक बार यहाँ पर डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड इसको यहाँ पर ब्रा कर दूंगा अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड इसका कलर चेंज करके मैं यहाँ पर कोई और कलर कर देता हूँ, एडजस्ट पर जाता हूँ, ह्यू पर जाता हूँ, यहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर रखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर डन कर देते हैं, एंड इसको भी कुछ इस तरह से आप लोगों को बड़ा कर लेना होगा। एंड इसका जो ओपोसिटी है यहाँ पर मैं लगभग फुल रखता हूँ, ठीक है, फुल नहीं, फुल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पर हल्का सा कम रखता हूँ, यहाँ पर कुछ इतना रखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कुछ इतना 64 या 65 तक। एंड यहाँ पर जूम करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दो ताकि यहाँ पर लगना चाहिए, मतलब लगना चाहिए क्या, लगना चाहिए भाई, ठीक है, एकदम देख सकते हैं यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर गिर रहा है, तो ये बहुत ही सही लग रहा है। तो यहाँ पर मैं अब कर दूंगा यहाँ पर डन, तो डन कर दिया हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाला जो यहाँ पर एक PNG, मतलब वो लाइट PNG एक बार यूज़ करना था यहाँ, ताकि यहाँ पर लाइट गिरे यहाँ पर, तो भाई भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से एक बार। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ऐड कर लिया हूँ, तो पहले क्या करूँगा इसका, मतलब पहले जाऊँगा ब्लेंड मोड में एंड चेंज करके इसको यहाँ पर ओवर ले कर दूंगा एंड एडजस्ट पर जाऊँगा, और आप लोग यहाँ पर ह्यू पे आके कलर चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंपली नीचे ले आऊँगा, एकदम नीचे ले आओगे माइनस 180 पर, तो यहाँ पर देख सकते हो रेड हो गया है। तो यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ एंड इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि इसका जो लाइट रिफ्लेक्ट है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर टी शर्ट के ऊपर गिरे। तो देख सकते हो यहाँ पर गिर रहा है, तो अच्छा लग रहा है दिखने में। एंड इसका भी यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट बना लूँगा एक, इसको थोड़ा सा छोटा करके इसका कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। हर कलर का एक रिफ्लेक्ट यहाँ पर शरीर के ऊपर गिरना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। एंड इसको ह्यू चेंज करके यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर इतना रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ इतना रखता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर, देख सकते हो गाइस, आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो गाइस गिर रहा है, ठीक है, लाइट गिर रहा है, तो अच्छा लग रहा है दिखने में, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग बना लो, बहुत ही सिंपल है। तो थोड़ा सा आप लोगों को आज मेरा वॉइस अलग लग सकता है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, मतलब आप लोगों को अगर दिखा पाता तो अच्छा होता, मतलब कुछ अलग ही तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वॉइस अलग लगेगा। तो यहाँ पर सब कुछ कंप्लीट हो गया है गाइस, आप लोगों को सिंपली ड्रॉ टूल पे आके सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर फोटो को सेव कर लो। एंड सेव करने के बाद चलिए इस फोटो को लेकर चलते हैं लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेडिंग करने के लिए। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं लाइट रूम के अंदर आ गया हूँ, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसका कलर को एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले कलर वाला ऑप्शन पर जाता हूँ एंड मिक्स टूल, एंड यहाँ पर आने के बाद पहले मिलता है रेड कलर, तो रेड कलर का ह्यू यहाँ पर हल्का सा कम रखूंगा, हल्का सा नहीं, कुछ इतना कम कर लेता हूँ। एंड आप लोगों को पहले बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बस तरीका दिखा रहा हूँ कलर ग्रेडिंग करने का। मैं यहाँ पर जितना यहाँ पर अमाउंट रख रहा हूँ, जैसे देख सकते हो -63 रखा हूँ यहाँ पर ह्यू को, तो आप लोग भी इतना मत रखना भाई, क्योंकि आप लोगों का फोटो अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अपने मुताबिक से आप लोग करो। तो यहाँ पर कुछ इतना रखते हैं माइनस, एंड सैचुरेशन को भी हल्का सा डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड लाइट यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑरेंज में आने के बाद यहाँ पर सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज करना पड़ेगा आप लोगों को, एंड यहाँ पर लूमियंस इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर येलो में आके येलो को यहाँ पर देख लेता हूँ, येलो थोड़ा सा घटिया हो गया है, तो कुछ इतना यहाँ पर डिक्रीज रखता हूँ, एंड सैचुरेशन में हल्का सा डिक्रीज कर देता हूँ, एंड लूमियंस यहाँ पर इंक्रीज कर देता हूँ कुछ इतना, ठीक है। एंड ग्रीन में आने के बाद ग्रीन को भी यहाँ पर देख लेता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन में कुछ इस तरीके से रखता हूँ, और यहाँ पर सैचुरेशन का देख लेता हूँ गाइस, तो यहाँ पर सैचुरेशन हल्का सा कम रखता हूँ, ज़्यादा रखूँगा तो उतना खास नहीं लगेगा। और यहाँ पर CN में आने के बाद आप लोगों को सिंपली सैचुरेशन यहाँ पर डिक्रीज करना है हल्का सा, कुछ यहाँ पर इतना। एंड ब्लू में आने के बाद ब्लू कलर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर लो ह्यू को, एंड सैचुरेशन यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज रखता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया है, तो फेस का कलर थोड़ा सा अलग हो गया है देख सकते हो गाइस, तो उसको भी फिक्स करेंगे, रुको, डन कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, फेस को, जो मतलब फेस को यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन के साथ मैच करने के लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं गाइस, तो कुछ इस तरीके से माइनस की तरफ ले जा रहा हूँ, तो इतना मतलब ऐसा लग रहा है दिखने में, एंड प्लस कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीज रखेंगे इसलिए, तो यहाँ पर मैं लगभग डिक्रीज रखता हूँ कुछ यहाँ पर -20 तक, ठीक है। एंड यहाँ पर देख लेता हूँ टिंट को भी, तो टिंट यहाँ पर प्लस कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है, माइनस कर रहा हूँ तो नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्लस रखता हूँ कुछ इतना, देख लो गाइस, ठीक है, ये भी हो गया है। एंड वाइब्रेंस जो है इसको इंक्रीज रखूँगा थोड़ा सा कुछ इतना, एंड सैचुरेशन का हल्का सा डिक्रीज, तो ये भी हो गया है, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं यहाँ पर इस टूल पर, यहाँ पर जो क्लियरिटी है हल्का सा डिक्रीज रखेंगे, और डेज यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज रखेंगे कुछ इतना, एंड फिगनेट हल्का सा डिक्रीज। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, कि भाई कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना ही होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर विग्नेट हल्का सा यूज़ करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इतना रखेंगे माइंड पॉइंट को, मतलब माइंड पॉइंट क्या होता है भाई, मिड पॉइंट। यहाँ पर फेदर को 100, राउंडनेस को भी 100, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई। देख सकते हो अभी से कितना मक्खन लग रहा है फोटो। एंड यहाँ पर आ जाएंगे इस टूल पर, शार्पनिंग यूज़ करेंगे, रेडियस को भी हल्का सा यूज़ करेंगे, डिटेल्स हल्का सा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया है नॉइज़ रिडक्शन, नॉइज़ मतलब कलर नॉइज़ रिडक्शन को हल्का सा यूज़ कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, सिंपली आ जाएंगे इस टूल पर, मतलब कलर प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपली यहाँ से मॉडर्न 10 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मॉडर्न 10 सिलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो तो इसका ऑपोसिट यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो आप लोग, तो यहाँ से हल्का सा कम कर लेता हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं लगभग यूज़ करूँगा 22 तक, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डन कर दूँगा, और डन करने के बाद और एक चीज़ जो आप लोगों को करना है, यहाँ पर आना है और आप लोगों को ये तो यूज़ करना ही करना है स्प्लिट टोन वाला, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट को पकड़ के यहाँ पर आप लोगों को ले आना है, ठीक है। देख लो यहाँ पर ब्लू पर, ठीक है, ब्लू और सीएन के बीच में। तो यहाँ पर लगभग मैं यूज़ करूँगा 11 तक, और शैडो को भी यहाँ पर सेम जगह पर ले आएंगे सेम कलर पर, और इसको मैं यूज़ करूँगा लगभग 4 या 5 तक, ठीक है। एंड इसका जो बैलेंस है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे लगभग 20 तक, ठीक है, 20 या 21 ऐसा, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो तो अब फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ बिफोर वाला जो पिक्सआर्ट से किया था, ये तो गाइस पिक्सआर्ट से जो किया था बिफोर वाला, एंड ये रहा आफ्टर वाला कलरिंग करने के बाद। तो गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम के अंदर जो पिक्चर अपलोड किया था और ये वाला पिक्चर थोड़ा सा अलग लग सकता है दिखने में कलरिंग में, कलर में, ठीक है। क्योंकि देखो यार एक बार एडिटिंग करता हूँ अपलोड करने के लिए, और आप लोगों को पूछता हूँ कि भाई इसका ट्यूटोरियल चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो मैं उसका ट्यूटोरियल बनाता हूँ, तो बनाते वक्त और एक बार एडिटिंग करना पड़ता है। तो अगर एक फ़ोटो को आप लोग अगर दो बार एडिटिंग करते हो, कलरिंग करते हो, तो थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है भाई। मैं भी एक इंसान हूँ भाई, कोई रोबोट नहीं हूँ, समझा करो बात को। और ये वाला वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ इस टाइप का नियॉन फोटोग्राफी कर पाए, नियॉन लाइटिंग वाला, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।